नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है दोस्तों। दोस्तों अब आपको मजा आ रहा होगा, हम ऐसे ऐसे नोट्स के साथ साथ मटेरियल्स उपलब्ध करा रहे हैं कि इस बार दिसंबर 2019 में आप नेट और JRF दोनों क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के जो स्टडी मटेरियल होता है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। हम विशेषकर उन प्रश्न पत्रों की बात कर रहे हैं जो जून 2019 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित UGC नेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका सही आंसर, साथ ही साथ एक्सप्लेन, और हम जो दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम यहां पर संग्रह करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये जानकारी देते हैं। शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी प्रतीक्षा रहता है कि लॉ ऑर्डर वाले सर जो हैं आज क्या नया वीडियो अपलोड करने वाले हैं, मुझे भी इंतजार रहता है। आइए सीधा बात करते हैं, यदि 50 नंबर में 40 अंक पेपर फर्स्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह के सभी वीडियो को आप जरूर देखें। आइए हम जो है देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा है 25 जून 2019 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, वो भी रिसर्च एप्टीट्यूड के सभी प्रश्न, यहां पर शोध अभिवृत्ति है लेकिन ये 25 जून का है दोस्तों, 25 जून ठीक है 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस है, सेकंड शिफ्ट ठीक है, कोई दिया होगा उसको अनुभव होगा। आइए पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न पूछ रहा है वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है, संभावना प्रदान नहीं करती है। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूं और आप उत्तरदाता हैं, आपको मैं कहीं पर भी गुंजाइश नहीं दूंगा सोचने के लिए, यानी कि मेरा जो प्रश्नावली होगा वो प्रश्नावली में उत्तर ऐसा होगा उन्हीं चार में से ही आपको चुनना है, यानी कि आपके दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना नहीं रखूंगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्नावली को किस तरह की प्रश्नावली कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को आवृत्त प्रश्नावली या बंद प्रश्नावली के नाम से जानते हैं, इसी को बंद प्रश्नावली कहते हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए मैं रिसर्चर हूं, आप जो है उत्तरदाता है, और यही प्रश्न आपसे पूछता, रिसर्च से संबंधित यही प्रश्न है, आप बताइए इस चार के अलावा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं क्या? ये चारों में से ही आपके दिमाग जो है चार में से एक को चुनना होगा, यानी कि उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना प्रदान नहीं करती है, यानी कि आप बताइए चार के अलावा आप अपने दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। जैसे आपके UGC नेट में क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही यदि उत्तरदाता से आप प्रश्न पूछेंगे चार में से ही एक ऑप्शन को उन्हें चुनना होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नावली को हम बंद प्रश्नावली कहते हैं या आवृत्त प्रश्नावली कहते हैं, ये मुक्त प्रश्नावली नहीं है। मुक्त प्रश्नावली में क्या होगा, ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा लेकिन ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उत्तरदाता को ही यहां पर लिखना होता है, तो उसको हम लोग मुक्त प्रश्नावली कहते हैं। केवल दो ही प्रकार का होता है, एक बंद प्रश्नावली और दूसरा मुक्त प्रश्नावली। शायद मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मुक्त प्रश्नावली यानी कि मुक्त प्रश्नावली में उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए संभावना बनी रहती है, इस चार को नहीं बल्कि अपने
मस्तिष्क का प्रयोग करके उसका उत्तर देता है उत्तरदाता, तो उसको हम लोग मुक्त प्रश्नावली कहते हैं। अब बंद प्रश्नावली, उनकी सोच को हम यहां पर बंद कर देंगे ऑप्शन देकर, यहां पर ऑप्शन देंगे और इसी ऑप्शन में से ही उनको चुनना है, उनका दृष्टिकोण को हम बंद कर देंगे, इसी को बंद प्रश्नावली के नाम से जानते हैं या आवृत्त प्रश्नावली के नाम से जानते हैं। शायद मुझे लगता है पहला प्रश्न आपसे बन गया होगा। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, प्रायोगिक अध्ययन पायलट स्टडी को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है। पायलट स्टडी को ध्यान दीजिएगा, यह व्यवहार्यता अध्ययन कहलाता है, व्यवहार्यता अध्ययन। और पायलट स्टडी को कब किया जाता है मैं आपको बता दूं, रिसर्च करने के पहले। मान लीजिए आप रिसर्च स्टार्ट नहीं किए हैं तो उसके पहले आप जो है पूर्व अध्ययन करके देखेंगे, पूर्व अध्ययन करके कि ये डाटा हमसे मिल पाएगा या डाटा नहीं मिल पाएगा, डाटा मिलेगा तो नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, इसमें करने से क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, इन सब का आकलन जो है पायलट स्टडी में होता है। इसी को व्यवहार्यता अध्ययन भी कहते हैं, यानी कि आप रिसर्च करने के पहले उसके बारे में भली भांति जानना चाहते हैं, ठीक है। प्रायोगिक अध्ययन के नाम से भी जानते हैं, प्रायोगिक अध्ययन को व्यवहार्यता अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। और प्रायोगिक अध्ययन के अंतर्गत हम अपने प्रोजेक्ट का एक लघु रूप लेकर उस प्रोजेक्ट के बारे में अग्रिम अध्ययन करते हैं, यानी कि पहले अध्ययन करते हैं और बाद में इसी अग्रिम अध्ययन के आधार पर पूरे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं। इस प्रकार पायलट स्टडी को हम किसी विस्तृत कार्य का अग्रिम लघु रूप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या होता है या नहीं, तो कन्या भ्रूण हत्या के पहले वो तो जाने पहले गर्भ में शिशु जो है लड़का है या लड़की, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भ्रूण परीक्षण करना पड़ेगा, भ्रूण परीक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप रिसर्च करेंगे क्या हकीकत में भ्रूण परीक्षण होता है, उत्तरदाता आपको उत्तर देगा। तो हम इस रिसर्च प्रोजेक्ट को लेने के पहले हम एक स्टडी करेंगे। मान लीजिए भारत के अलग अलग जगहों पर 50-100 लेबोरेटरी यानी कि जो जहां पर एक्सरे सोनोग्राफी होता है उस जगह पर जाकर मैं यदि कहता हूं कि सर ये बताइए कि यदि मेरे भाभी हैं, मेरे भाभी का जो भ्रूण परीक्षण है करना है, क्या आप कर देंगे, जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए 50 से 100 लेबोरेटरी में घूमेंगे तो हो सकता है कि 5 से 10 लेबोरेटरी वाले कह सकते हैं कि ठीक है हम कर देंगे, ठीक है, या डायरेक्ट मना कर देगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका पायलट रिसर्च स्टडी करके कि क्या इसमें डाटा निकल सकता है, क्या हकीकत में इसमें प्रॉब्लम है या नहीं। मान लीजिए 100 जगह गए, 100 जगह में से आपको जो है वहां पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको डाटा निकालना बहुत तकलीफ होगा, उस प्रोजेक्ट को लेना ही बेकार है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग पायलट स्टडी कहते हैं, यानी कि प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के पहले। और यदि जो लघु 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 शोध है, जो प्रोजेक्ट है, यदि वो ठीक ठाक हो गया, व्यवहारिक हो गया, तो उसी हिसाब से जो है आपका बृहद जो प्रोजेक्ट है उसी का अनुसरण करेगा, ठीक है। मुझे लगता है दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, शोध के लिए किस प्रकार के शिक्षण संबंधित सक्षमता का संवर्धन की संभावना है। मैं कई बार बता चुका हूं, जब भी टीचिंग से संबंधित शोध होगा, टीचिंग से संबंधित शोध होगा, कोई प्रॉब्लम होगा उसका समाधान, यानी कि कोई समस्या होगा उसके समाधान के लिए आपको रिसर्च करना है, तो ध्यान दीजिएगा क्रियात्मक शोध हमेशा किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल में बच्चे जो है मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो प्राचार्य जानना चाहता है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से सभी सब्जेक्ट में तो ठीक है बच्चे, लेकिन मैथमेटिक्स में सभी लोग फेल हो रहे हैं, ज्यादातर फेल हो रहे हैं।
इसके पीछे कारण पता करना है, तो हो सकता है टीचर की जो बैठक बुलाएगा, टीचर से जो पूछताछ करेगा, यदि यह भी एक रिसर्च का भाग है तो यह भाग जो है क्रियात्मक शोध होगा, क्रियात्मक शोध, ठीक है, परिस्थितिगत अनुसंधान कार्य है ये, परिस्थितिगत, ठीक है, तात्कालीन समस्या का निदान व समाधान इसमें जुड़ा रहता है, तात्कालीन, ये तात्कालीन है कि वो स्कूल में मैथमेटिक्स में बच्चे इतने कमजोर हो रहे हैं, ये एक समस्या है, इसका निदान चाहिए, तो इसी को हम लोग जो है क्रियात्मक शोध के द्वारा इसको पूरा किया जाता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये भी बात समझ में आ गया होगा। यहां पर आठवां क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहां सातवां क्वेश्चन, फिश बाउल ड्रा किसकी एक विधि है, फिश डाउल ड्रा, ये यादृच्छिक प्रदर्शन, यादृच्छिक यानी कि सैंपलिंग, जो सैंपलिंग करते हैं, सैंपल सैंपलिंग जो सिलेक्शन करते हैं उसका भाग है, फिश बाउल ड्रा, फिश बाउल ड्रा, यानी कि अब मान लीजिए भारत भर में, भारत में मान लीजिए अभी कितना राज्य है, 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित राज्य है, ठीक है, आपको पूरे भारत में आपको रिसर्च करना है तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य में नहीं जाया जा सकता, आपने सैंपलिंग कर रहे हो कि मैं केवल जो है 5 से 6 स्टेट और 9 में से कम जो है 2 केंद्र शासित राज्यों का ही मुझे रिसर्च करना है, ठीक है, रिसर्च करना है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो है जो 28 राज्य का नाम है और 9 केंद्र शासित राज्य का नाम है उसको समान कागज के टुकड़ों पर लिख दिया जाता है और फिर उसे समान ढंग से मोड़कर एक बॉक्स में डाल देंगे, फिर उस बॉक्स से एक एक करके 5-6 स्टेट और 2 केंद्र शासित स्टेट का नाम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या होता है कि मान लीजिए मैं हो या कोई भी हो, किसी व्यक्ति को कहेंगे कि आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करके उस कागज के टुकड़ों को निकालिए, ठीक है, निकालकर प्रतिदर्श का चयन किया जाता है, तो इसको फिश बाउल ड्रा कहते हैं, फिश बाउल ड्रा। हमें 28 में से 5-6 स्टेट का ही चाहिए तो 28 स्टेट का नाम डाल देंगे और एक व्यक्ति को कहेंगे कि आंख में पट्टी लगा दीजिए और 5-6 स्टेट का लिस्ट जो है निकाल लीजिए। यदि वो निकाल लेता है, जो स्टेट आएगा उसी स्टेट में ही हम जो है अपना डाटा एकत्रित करेंगे, इसी को फिश बाउल ड्रा कहते हैं, यानी कि ये सैंपलिंग का एक तरीका है, शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आठवां क्वेश्चन देखिए, प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए दोस्तों ये आश्रित चर में हमेशा इसका उपयोग किया जाता है, सांख्यिकी विश्लेषण में आश्रित चर होना बहुत जरूरी है, एक जो है स्वतंत्र चर होता है, दूसरा जो है आश्रित चर होता है। स्वतंत्र चर जैसे मान लीजिए विद्यालय है, विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय है, ये विद्यालय है और विद्यालय का एक आश्रित चर जो होता है वो है कक्षा, ठीक है, विद्यालय का कक्षा, यानी कि कक्षा यहां पर जो है कक्षा 5th, कक्षा 6th, कक्षा 7th, कक्षा 8th, ये जो है आपका विद्यालय से ही जुड़ा हुआ है, विद्यालय से ही जुड़ा हुआ है, तो ये आपका स्वतंत्र चर है तो ये आश्रित चर है, यानी कि विद्यालय से ही इसका संबंध होगा, विद्यालय से ही 5th, 6th, 7th, 8th का जो है, आप कहते हैं ना डीपीएस में बच्चा पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा, स्कूल स्कूल एक एक स्वतंत्र चर है, ठीक है, आश्रित चर क्या होता है, डीपीएस बहुत बड़ा स्कूल होगा, एक सरकारी स्कूल, ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जो है समझना है दोस्तों, ये आश्रित चर के कोटि में आता है। प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए आश्रित चर पर विचार किया जाता है, किसी भी प्रयोग या शोध में आश्रित चर वह चर होता है जिसके बारे में शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन करता है, सचमुच में यह वही चर होता है जिसे प्रयोगकर्ता सावधानी पूर्वक निरीक्षण करता है तथा उसे रिकॉर्ड करता है। जैसे हम कर रहे हैं पूर्व कथन कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छे होते हैं, देखिए क्या है, ये एक स्वतंत्र चर है, इसी आधार पर आपको जो है निरीक्षण करना है सरकारी स्कूल का और प्राइवेट स्कूल का और उसी के आधार पर आप डाटा जो है
कलेक्ट करेंगे। इसी को हम लोग जो है ये जो है हम लोग जो है आश्रित चर वह होता है शोधकर्ता कुछ पूर्व कथन करता है, यह आश्रित चर का है। स्वतंत्र चर जो होता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, शायद मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए कार्यशाला का उद्देश्य किसके लिए होता है? कार्यशाला का उद्देश्य व्यवहारिक अनुभव के लिए, हमेशा उसको करके देखते हैं। कार्यशाला हमेशा करके देखा जाता है। ठीक है, जो थ्योरी पढ़े रहते हैं उस थ्योरी को एक्सपर्ट, जो उस थ्योरी के बारे में अच्छा ज्ञान रखता है, उसको जो पार्टिसिपेंट से करवाता है उसी को वर्कशॉप कहते हैं या कार्यशाला कहते हैं। कार्यशाला का निश्चित विषय परिचर्चा का प्रायोगिक कार्य होता है, जिसमें समूह के सदस्य अपने ज्ञान और अनुभव के आदान प्रदान द्वारा विषय के बारे में सीखते हैं। कार्यशाला में प्रायोगिक कार्य और ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। साधारणतः कार्यशाला का कार्यकाल 3 दिन से 7 दिन तक का होता है। ध्यान दीजिएगा, VGC ने वीकली कार्यशाला का महत्व दिया है। VGC ने जो है 7-डैश वर्कशॉप को जो है मान्यता दिया हुआ है। 7-डैश, कम से कम 7-डैश होगा तो उसका कोई औचित्य है 7-डैश को। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक अनुभव किया जाता है। व्यवहारिक अनुभव आप उसको करके सीखेंगे तो कार्यशाला का उद्देश्य जो है ये है। शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है, बहुत सरल है, आवृत्ति परखता और परिशुद्धता बहुत जरूरी है। जो विश्वसनीयता में जो गुणवत्ता को देखा जाता है उसमें आवृत्ति परखता और परिशुद्धता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीयता में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की गुणवत्ता जो होती है वह आवृत्ति परखता और परिशुद्धता होती है। क्यों होती है? वैज्ञानिक अर्थ में विश्वसनीयता से तात्पर्य प्राप्तांक की संगति से होता है। प्राप्तांक जो विश्वसनीयता मतलब प्राप्तांक, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम 50 नंबर लाया, 100 में 50 नंबर लाया, सेकंड टाइम मान लीजिए 70 नंबर लाया, ठीक है, दूसरे टाइम मान लीजिए 60 अंक लाया और वार्षिक परीक्षा में ये 30 नंबर लाता है, तो आप क्या कहेंगे? तो कहेगा ना कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये बच्चा इतना इंप्रूव कर रहा था अचानक इतना मार्क्स कैसे आ जाएगा? तो इसकी गुणवत्ता क्या है? आवृत्ति परखता और परिशुद्धता। ठीक है, ये आवृत्ति जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हो रहा है, और परिशुद्धता, ठीक है, परिशुद्धता मतलब 50 से 70 बहुत अच्छा है, 70 से 80 बहुत अच्छा है। तो अब आप कह देंगे कि इसमें विश्वसनीयता है कि 80-90 तो लेकर आएगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको मानते हैं, यानी कि प्राप्तांक की संगति से होता है, उसके पुनरुत्पादकता के रूप में दिखाई देता है। विश्वसनीयता परीक्षण का आत्मसह संबंध होता है। ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है आपको जो है। ठीक है, तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 जून 2019 के सेकेंड शिफ्ट का महत्वपूर्ण रिसर्च एप्टीट्यूड। मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, जितना लाइक करेंगे उतना मुझे उत्साह मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। तो मैं विदाई लेता हूं, थैंक यू।